हेलो दोस्तों, अगर दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों हमारे करंट अफेयर के वीडियो के साथ दोस्तों। तो दोस्तों आज डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर 10 से 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व होम्योपैथी दिवस 2019 किस तिथि को मनाया गया दोस्तों? तो 9 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस 2019 दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही खबरों में रहने वाली तोमर रामा देवी किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो महाशीर मछली की प्रजाति का नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? तोर रामा देवी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी सर्वोच्च संस्थान की रैंकिंग में किस से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी सर्वोच्च संस्थान की रैंकिंग में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विजडेन पत्रिका द्वारा निम्न में से किस खिलाड़ी को लीडिंग क्रिकेटर नामित किया दोस्तों? तो उपयुक्त दोनों को नामित किया दोस्तों, मतलब विराट कोहली और स्मृति मंधाना दोनों को दोस्तों लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया दोस्तों विजडेन पत्रिका ने दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य भारत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया दोस्तों? तो विक्रमजीत सहानी को नियुक्त किया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल भारत के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों, विक्रमजीत सहानी को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर परिवार नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य दोस्तों शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को सहायता देना ही इस ऐप का उद्देश्य दोस्तों, जिसका नाम रखा गया दोस्तों वीर परिवार नामक ऐप लॉन्च किया दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया दोस्तों? तो कर्णम शेखर को चुना गया दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं दोस्तों? तो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे कौन से खिलाड़ी IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए दोस्तों IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान दोस्तों, IPL दोस्तों बोले तो इंडियन प्रीमियर लीग में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? तो दीपा मलिक को चुना गया दोस्तों सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा ये प्रदान की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पदक ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एप्रोस्टल से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया दोस्तों ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एस्पोसल से सम्मानित किया दोस्तों, जो कि दोस्तों रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पदक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार किस बैंक को भारत में ग्राहकों द्वारा नंबर 1 बैंक के रूप में चुना गया दोस्तों?
तो HDFC बैंक को चुना गया दोस्तों फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार। भारत का नंबर बैंक वन बैंक दोस्तों HDFC बैंक को चुना गया दोस्तों। हाल ही निम्न में से किसने विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया दोस्तों? तो डेविस मालपास ने लिया दोस्तों विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में शपथ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे भारतीय उद्योग परिषद का नया अध्यक्ष चुना है दोस्तों? तो विक्रम किर्लोस्कर को चुना गया दोस्तों भारतीय उद्योग परिषद का नया अध्यक्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही लक्ष्मी विकास बैंक का विलय किस वित्तीय संस्था में हो गया दोस्तों? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में हो गया दोस्तों लक्ष्मी लक्ष्मी विकास बैंक का विलय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए 4700 महिलाओं ने एक साथ कोनयाक नृत्य किया है। यह नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो नागालैंड राज्य का नृत्य दोस्तों, जिसे अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 4700 महिलाओं ने एक साथ ये नृत्य किया दोस्तों, और इस नृत्य का क्या नाम है दोस्तों? कोनयाक नृत्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही किस दिन को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों? तो 5 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में दोस्तों। माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत कम मजदूरी प्राप्त होती है? तो 34% कम मजदूरी प्राप्त होती है दोस्तों महिलाओं को पुरुषों के कंपेयर में दोस्तों। किसकी रिपोर्ट है दोस्तों? माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ICC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनु सहानी को नियुक्त किया गया दोस्तों ICC के नए CEO के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मियामी ओपन 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त दोनों ही कथन सही है दोस्तों मियामी ओपन 2019 से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पुरुष एकल विजेता दोस्तों रोजर फेडरर है दोस्तों, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है महिला एकल की विजेता कैरोलिना है दोस्तों, जो कि चेक गणराज्य की निवासी है दोस्तों। तो मियामी ओपन 2019 से रिलेटेड ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ICC बैंक की सहायक कंपनी ICCI सिक्योरिटी के नए MD और CEO नियुक्त किया गया दोस्तों। तो विजय चंदोक को नियुक्त किया गया दोस्तों ICICI की जो सिक्योरिटी की जो कंपनी है दोस्तों, जो कि ICICI बैंक की सहायक कंपनी है, उसके नए MD और CEO के रूप में दोस्तों विजय चंदोक को नियुक्त किया है। 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीते थे दोस्तों? तो भारत ने 0 पदक जीते थे दोस्तों 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में यूरोप और ओशिनिया देशों के राजदूत और उच्चायुक्त के साथ वार्षिक बैठक का आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो व्यापार एवं आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। किन देशों के बीच में ये बैठक हुई दोस्तों? भारत में यूरोप और ओशिनिया देशों के राजदूत व उच्च आयुक्त के बीच में एक वार्षिक बैठक हुई है दोस्तों, जिसका उद्देश्य व्यापार और आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने प्लेटिनम नैनो कैटालिस्ट के उपयोग से पेट्रोल अपशिष्ट उत्पाद टालुइन को बेंजोइक एसिड में
बदलने का सफल परीक्षण किया दोस्तों, तो आईआईटी मद्रास ने किया दोस्तों, प्लेटिनम निकलिस्ट के उपयोग से दोस्तों पेट्रोल का जो अपशिष्ट निकलता है दोस्तों टालुइन, उसको दोस्तों बेंजोइक एसिड में बदलने का सफल परीक्षण किया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपातकालीन बैकअप बिजली प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली शुरू की दोस्तों, तो टेस्ला कंपनी ने शुरू किया दोस्तों आपातकालीन बैकअप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने ताया लिनियन 2-1 नामक नई पीढ़ी का उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया है, तो चीन कंट्री ने ये उपग्रह लॉन्च किया दोस्तों। जम्मू कश्मीर में बना मैत्री पुल आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, यह किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, तो सिंधु नदी पर बनाया गया दोस्तों मैत्री पुल, जो कि आम लोगों के लिए हाल ही के अंदर खोल दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मुंबई के जेंजेगो सुनील में की खोज की गई है, यह किसकी प्रजाति है दोस्तों, तो जंपिंग स्पाइडर बोले तो मकड़ी की ये प्रजाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस देश के ग्रेबियल रेने मोरेनो यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों, तो बोलीविया, बोलीविया दोस्तों जो देश है उसका जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों ग्रेबियल रेने मोरेनो जो यूनिवर्सिटी है उसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लगातार तीसरी वर्ष आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा जीतने वाला देश कौन सा बन गया है, तो भारत बन गया दोस्तों तीसरी बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा जीतने वाला देश दोस्तों। हाल ही कंधामल हल्दी को किस राज्य के लिए विशिष्ट भौगोलिक पहचान प्रदान किया गया दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य है दोस्तों उसको दोस्तों कंधामल हल्दी के लिए जीआई टैग दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गूगल इंडिया के प्रमुख जिन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, तो राजन आनंदन ने दे दिया दोस्तों हाल ही अपने पद से इस्तीफा, और वो कौन थे दोस्तों, गूगल इंडिया के प्रमुख थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसने बहरीन ग्रैंड प्री 2019 का खिताब जीत लिया दोस्तों, तो लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीत लिया दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्री 2019 का खिताब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताइवान में संपन्न एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2019 में भारत में कुल कितने पदक जीते दोस्तों, तो भारत ने टोटल मिलाकर 25 पदक जीते दोस्तों एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2019 में दोस्तों, जो कि दोस्तों अब्देल अजीज बाउटेफ्लिका किस देश के राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति दोस्तों अब्देल दोस्तों जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के गेल क्रेटर के पास मिथेन गैस की मौजूदगी की पुष्टि की दोस्तों, तो दोस्तों मंगल ग्रह के गेल क्रेटर के पास दोस्तों मिथेन गैस होने की मौजूदगी की पुष्टि की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही चर्चा में रहा रेईवा क्या है दोस्तों, तो जापान द्वारा शुरू नया शाही युग है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों रेईवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वर्ष 2018 2019 में किस कंपनी ने सर्वाधिक लाभ कमाया दोस्तों, तो सऊदी अरामको जो कंपनी है दोस्तों उसने सबसे अधिक लाभ कमाया दोस्तों
सऊदी अरामको कंपनी दोस्तों मूडीज द्वारा जारी रिपोर्ट 2018-2019 के अकॉर्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही चर्चा में रहा डिमसा किस राज्य का लोक नृत्य दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य दोस्तों उसका नाम है दोस्तों डिमसा, और यह अभी चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 अप्रैल को विश्व भर में ऑटिज्म में जागरूकता दिवस मनाया गया है, इसका विषय क्या था दोस्तों? तो सहायक टेक्नोलॉजी और सक्रिय भागीदारी था दोस्तों इसका विषय दोस्तों, जो कि 2 अप्रैल को विश्व भर में दोस्तों ऑटिज्म में जागरूकता दिवस बनाया गया दोस्तों इसका विषय दोस्तों। हाल ही प्रकाशित मोदी अगेन वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो आबास मालदिहार यार ने लिखी दोस्तों, पुस्तक का नाम दोस्तों मोदी अगेन वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया नामक पुस्तक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही विमोचित सेफ्रन स्वार्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? तो दोस्तों मनोषी सिन्हा रावल है दोस्तों सेफ्रन स्वार्ट्स नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोफेशनल स्वेक्स एसोसिएशन की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सौरभ घोंसला बन गए दोस्तों, जो कि प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन की दोस्तों वर्ल्ड रैंकिंग है दोस्तों उसमें टॉप 10 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों सौरभ घोंसला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही कार्तिक चंद्र रथ का निधन हो गया, इनका संबंध किससे दोस्तों? तो ये एक प्रसिद्ध नाटककार थे दोस्तों जिनका नाम है कार्तिक चंद्र रथ, इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। एशियाई विकास आउटलुक 2019 में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2019 के लिए भारत की वृद्धि दर 7.6 से घटाकर कितनी कर दी है? तो भारत की दोस्तों विकास दर दोस्तों 7.2% कर दिया दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने दोस्तों वित्त वर्ष 2019 में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 अप्रैल को रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, इसके पश्चात वर्तमान रेपो रेट कितनी हो गई है? तो 6.00% हो गई दोस्तों वर्तमान रेपो रेट 4 अप्रैल के बाद में दोस्तों रिजर्व बैंक द्वारा 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करने के बाद दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका ने 2.4 अरब डॉलर की कीमत पर किस देश को 24 आधुनिक MH रोमियो सीहाक हेलीकॉप्टर बेचने को मंजूरी दी है? तो ये भारत को मंजूरी दी दोस्तों, और कितने डॉलर का समझौता हुआ दोस्तों? 2.4 अरब डॉलर का समझौता हुआ दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों भारत को 24 आधुनिक MH रोमियो सीहाक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाई जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिलायंस निप्पान लाइफ मैनेजमेंट ने किस कंपनी के साथ मिलकर देश की पहली आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन प्रणाली लॉन्च की है? तो दोस्तों रिलायंस निप्पान लाइफ मैनेजमेंट जो कंपनी है दोस्तों, उन्होंने गूगल के साथ दोस्तों देश की पहली आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन प्रणाली को लॉन्च किया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने मलावी में भारत अफ्रीका कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो नेपकॉन्स बैंक के साथ समझौता किया दोस्तों भारत अफ्रीका कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने दोस्तों, किसके लिए दोस्तों? विकास करने के लिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों और कृषि क्षेत्र में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने शरिया कानून लागू कर समलैंगिकता के दोषियों को पत्थर मार हत्या की सजा देने का
प्रावधान किया है दोस्तों। तो ब्रुनेई जो कंट्री है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों वहाँ पर कौन सा कानून लागू किया है दोस्तों, शरिया कानून लागू किया है दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों समलैंगिकता के दोस्तों जो भी दोषी है दोस्तों उन्हें पत्थर से मारकर हत्या देने का प्रावधान है दोस्तों। भारत ने स्वच्छ BS6 पेट्रोल डीजल की आपूर्ति शुरू हो गई है। BS6 को अपनाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो नई दिल्ली बन गया है दोस्तों, जो स्वच्छ पेट्रोल है दोस्तों जिसका नाम है BS6, उसको यूज करने वाला दोस्तों नई दिल्ली पहला शहर बन गया दोस्तों भारत का दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में किसी जायेद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है दोस्तों। तो PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की है दोस्तों जायेद मेडल से दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे LIC का प्रबंधक निर्देशक चुना गया है दोस्तों? तो विपिन आनंद को चुना गया दोस्तों LIC का प्रबंधक निर्देशक बोले दोस्तों, MD, MD बोले दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन आनंद को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों? तो 4 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। हाल ही जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2019 रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है, यह हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। सेकंड ऑप्शन है, इसके अनुसार वायु प्रदूषण भारत में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। थर्ड ऑप्शन, रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत में 12 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई दोस्तों, किस कारण से दोस्तों? वायु प्रदूषण के कारण से दोस्तों। तो ये रिपोर्ट है दोस्तों स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2019 रिपोर्ट दोस्तों। तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में किस फुटबॉल टीम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो बेल्जियम जो कंट्री है दोस्तों उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका के किस शहर में पहले बार अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी महिला बोले तो दोस्तों लोरी लाइफ फुट को मेयर के रूप में नियुक्त किया दोस्तों? तो इस लेडी का क्या नाम है दोस्तों? लोरी लाइट फुट है दोस्तों, जो कि पहली दोस्तों अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी महिला दोस्तों, और किस शहर में इन्हें नियुक्त किया दोस्तों? मेयर मेयर के रूप में शिकागो जो शहर है दोस्तों उसमें इन्हें नियुक्त किया दोस्तों मेयर के रूप में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध मोटर बाइक निर्माता कंपनी रॉयल इनफील्ड ने नए CEO कौन है दोस्तों? तो विनोद दसारी है दोस्तों, जो प्रसिद्ध मोटर बाइक कंपनी दोस्तों जिसका नाम दोस्तों रॉयल इनफील्ड, उनके नए CEO बोले दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों विनोद दसारी को बनाया गया दोस्तों। किसे गूगल इंडिया के उद्योग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? तो म्यूरी कांगो को नियुक्त किया गया दोस्तों गूगल इंडिया के उद्योग प्रमुख के रूप में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने चैट बॉट मेकिंग कंपनी हॉटिप का 700 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया दोस्तों? तो रिलायंस जियो ने कर लिया दोस्तों चैट बॉट जो मेकिंग कंपनी दोस्तों हॉप्टिक, उसका अधिग्रहण कर लिया दोस्तों 700 करोड़ रुपए में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया मुरिन एंडोपेंटी एसेक क्या है दोस्तों?
तो एक तरह का एंजाइम है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों मुरीन एंडोपेटिक सेक, एक एंजाइम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस सोशल प्लेटफॉर्म द्वारा चेक पॉइंट टिप लाइन की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो व्हाट्सएप के द्वारा शुरू किया दोस्तों, चेक पॉइंट टिप लाइन की शुरुआत की है दोस्तों व्हाट्सएप के द्वारा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस टेलीकॉम कंपनी ने हवाई सेवा में इंटरनेट प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर लिया दोस्तों? तो बीएसएनएल कंपनी, बीएसएनएल जो कंपनी है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों हवाई सेवा में इंटरनेट बोले दोस्तों, हवाई जो सफ़र होता है दोस्तों उसमें यात्रियों को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना कराने के लिए दोस्तों दूर संचार विभाग से लाइसेंस भी ले लिया दोस्तों बीएसएनएल जो कि भारत की कंपनी है दोस्तों उसने। दोस्तों निम्न में से किस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है दोस्तों? तो सैमसंग के द्वारा लॉन्च किया है दोस्तों दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल दोस्तों फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया दोस्तों? तो फेयंग गांव है दोस्तों उसे दोस्तों भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों? तो सना दुआ को नियुक्त किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कौन सा बन गया दोस्तों? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बन गया दोस्तों जिसने दोस्तों मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, अभिनेता को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो शाहरुख खान को प्रदान किया दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के द्वारा दोस्तों डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया दोस्तों। देश का पहला हीरा संग्रहालय छतरपुर जिले में स्थापित करने की घोषणा की है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों देश का पहला हीरा संग्रहालय दोस्तों, जिसे दोस्तों छतरपुर जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही सिडनी ब्रेनर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों सिडनी ब्रेनर को दोस्तों, जिनका कि दोस्तों 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। ये काफ़ी महान व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आविष्कार किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही खबरों में रहा मीनारा क्या है दोस्तों? तो विश्व का सबसे ऊंचा ट्रॉपिकल वृक्ष का नाम है दोस्तों मीनारा दोस्तों, जो हाल ही में खबरों का विषय बना हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल में 3.4 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट लेकर नया इतिहास रच दिया दोस्तों? तो जोसेफ अल्जारी ने ये इतिहास रचा दोस्तों, जिन्होंने ओनली 3.4 ओवर फेंक कर दोस्तों ओनली 12 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही जारी एमिक्स
क्यूरी रिपोर्ट किस से संबंधित दोस्तों? तो केरल बाढ़ से संबंधित दोस्तों, एमिक्स क्यूरी रिपोर्ट केरल बाढ़ से संबंधित दोस्तों। हाल ही जारी एमिक्स क्यूरी रिपोर्ट किस से संबंधित दोस्तों? तो केरल बाढ़ से संबंधित दोस्तों, एमिक्स क्यूरी रिपोर्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही संपन्न मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 के संबंध में कौन सा मिलान सही है दोस्तों? तो उपयुक्त दोनों ही सही है दोस्तों। तो वन बाय वन दोनों ही मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है पुरुष एकल वर्ग का खिताब दोस्तों लीन डेन, जो कि चीन की खिलाड़ी है, उसे दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महिला एकल वर्ग का खिताब दोस्तों ताई तजू यिंग, जो कि ताइवान की निवासी है, उसे दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड 2018 वितरण किए गए, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 से रिलेटेड दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है स्पोर्ट ऑफ द पर्सन द ईयर, जो कि पुरुष के अंदर अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया गया दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर में महिला का खिताब दोस्तों PV सिंधु को दिया गया। थर्ड ऑप्शन है कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों जसपाल राणा, जो कि शूटिंग के कोच है, उन्हें दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया दोस्तों? तो 7 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही शुरू अफ्रीकन लायन 2019 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो मोरक्को और US जो कंट्री है उनके बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अफ्रीकन लायन 2019 दोस्तों। विश्व में 7 से 14 अप्रैल को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों 7 से 14 अप्रैल को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही प्रकाशित द इंडियन टेक्सटाइल सोर्स बुक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है दोस्तों? तो एवलेन फोर्थ रिंगहम के द्वारा लिखी गई दोस्तों द इंडियन टेक्सटाइल सोर्स बुक दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? एवलोन फोर्थे रिंगहम के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया दोस्तों? तो जस्टिस प्रदीप नांद्रा जोग को चुना गया दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसके भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया दोस्तों? तो ग्राहम रीड को चुना गया दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख बिजली कंपनी NTPS ने किस बैंक के साथ 2000 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? तो कैनरा बैंक के साथ ये समझौता किया दोस्तों, जो प्रमुख बिजली कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है NTPC, उसने दोस्तों 2000 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों कैनरा बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा बन गया दोस्तों? तो भारत बन गया दोस्तों सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश दोस्तों। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IMF द्वारा भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर 2019-2020 के लिए 7.5% से घटाकर कितनी कर दी दोस्तों? तो 7.3% कर दिए दोस्तों भारत की विकास दर, आर्थिक विकास दर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दोस्तों 7.5% से घटाकर दोस्तों 7.3% कर दिए दोस्तों। तो ये आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस खिलाड़ी के डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव परिणाम की वजह से उस पर 4 साल का खेल प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों? तो मनप्रीत कौर पर लगा दिया दोस्तों राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने दोस्तों, डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर दोस्तों मनप्रीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही खबरों में रही धनुष तोप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों धनुष तोप से रिलेटेड दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन है, यह बाफोर्स तोप का स्वदेशी संस्करण है। सेकंड ऑप्शन है, इसकी मारक क्षमता 36 किलोमीटर है। थर्ड ऑप्शन है, हाल ही भारतीय सेना में इसे शामिल किया गया दोस्तों। दोस्तों धनुष तोप से रिलेटेड ये सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, किस देश ने विश्व का पहला फोर्ट नाइट वर्ल्ड कप जुलाई 2019 में आयोजित होगा दोस्तों? तो यूएस में आयोजित होगा दोस्तों। अब्देल कादिर बेसलाहा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए दोस्तों? तो अल्जीरिया कंट्री के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए दोस्तों अब्देल कादिर बेसलाहा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कौन सा देश यूट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला बाजार बन गया है? तो भारत बन गया दोस्तों यूट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला बाजार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही वैज्ञानिक ने पदार्थ की नई अवस्था की खोज की है, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो चेन मेल्डेड स्टेट है दोस्तों पदार्थ की नई अवस्था जिसको वैज्ञानिकों ने अभी खोजा दोस्तों। तो साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि हमने तीन अवस्था पढ़ी दोस्तों, सॉलिड गैसीय और लिक्विड। तो ये नई अवस्था आई है दोस्तों जिसका नाम है चेन मेल्टेड स्टेट दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने किस बैंक के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो HDFC बैंक के साथ समझौता किया दोस्तों स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है उसने HDFC बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही नवनिर्मित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो जस्टिस विक्रम नाथ दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए प्रमुख न्यायाधीश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्मार्ट शहरों के लिए समाधान एवं संयोग करने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो स्वीडन कंट्री के साथ समझौता हस्ताक्षर किए दोस्तों स्मार्ट शहरों के समाधान और संयोग के लिए दोस्तों, भारत ने स्वीडन कंट्री के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किसे एशिया क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों? तो एनी नुरेनी को चुना गया दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसके द्वारा चुना गया दोस्तों? एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा
जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 2010 और 2019 के बीच कितनी रही है दोस्तों? तो 1.2% रही है दोस्तों, भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 2010 और 2019 के बीच दोस्तों। हाल ही बेंगलुरु को पीछे छोड़ देगी किसने गिग इकोनॉमी में प्रथम स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो नई दिल्ली ने प्राप्त किया दोस्तों, गिग इकोनॉमी में पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों बेंगलुरु को पीछे छोड़कर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झांसी के बबीना कैंट में भारत ने किसके साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया दोस्तों? तो भारत और सिंगापुर के बीच में ये दोस्तों विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ दोस्तों, जिसका नाम हुआ दोस्तों बोल्ट कुरुक्षेत्र 2019 दोस्तों। और कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? झांसी जो जिला है दोस्तों उसके बबीना कैंट में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही किस देश की संसद में स्वचालित और अर्धस्वचालित हथियार रखने को गैर कानूनी घोषित कर दिया दोस्तों? तो न्यूजीलैंड कंट्री ने दोस्तों गैर कानूनी घोषित कर दिया दोस्तों संसद में स्वचालित और गैर अर्ध स्वचालित हथियार रखने को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधिकारिक रूप से ड्रोन द्वारा खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया दोस्तों ड्रोन के द्वारा खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने वाला देश दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उमर अल बशीर किस देश के राष्ट्रपति है जिसने वहां की सेना ने पद से बर्खास्त कर हिरासत कर लिया दोस्तों, हिरासत में ले लिया दोस्तों? तो सूडान देश के राष्ट्रपति दोस्तों उमर अल बशीर, जिन्होंने दोस्तों सेना ने उन्हें बर्खास्त कर दोस्तों अपने हिरासत में ले लिया दोस्तों। अगर दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन पसंद आए दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके रेलवे, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों।